बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एन टेस्ट टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर के असामियों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आज के डेली आज अखबार में जिसका नाम भी आज है, उसी में ये एडवर्टाइज आ चुका है आज। और ये कंप्यूटर असामियाँ जो है ये ATS के ज़रिए होगी, अलाइड टेस्टिंग सर्विसेज। अलाइड टेस्टिंग सर्विसेज के पेपर निस्बतन ईटा के निस्बतन ईजी होते हैं। दोस्तों, ईटा वाले पेपर आजकल काफ़ी मुश्किल पेपर लगाते हैं। जो दोस्त ईटा में पेपर देना चाहते हैं, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है सेक्रेटरीट वगैरह के लिए, तो अच्छी सी तैयारी करें, क्योंकि ईटा के आजकल जो पेपर आ रहे हैं काफ़ी मुश्किल आ रहे हैं। पिछले 2-4 पेपर कंप्यूटर ऑपरेटर के गुजरे हैं, उसमें काफ़ी उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के भी क्वेश्चन थे, डेटा स्ट्रक्चर के थे, डेटाबेस के भी थे, नेटवर्किंग थे, HTML वगैरह और बेसिक चीज़ें भी थी। लेकिन आजकल वो ज़माना चला गया जब बेसिक चीज़ें आया करते थे, तो आजकल एडवांस स्टडी करना पड़ेगा। तो देखिए ज़रा एडवर्टाइज आपको दिखा लेता हूँ। ये एडवर्टाइज है डायरेक्टोरेट जनरल लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट खैबर पख्तूनख्वा पिशावर। तो इसमें ऐसा है कि देखे लिखा हुआ है कि नीचे शराइत टोटल असामियाँ जो है ना, ये 37 है, 37 असामियाँ हैं, और 37 असामियों को डिवाइड किया हुआ है। दो जो है माइनॉरिटी के लिए है, अकलियत के लिए है, और एक डिसेबल के लिए है, 4 फीमेल के लिए हैं, बाकी 8 जो है ये मेरिट पर हैं, और 5-5 ये 3 जोन के 5-5 है, 1-2-3 4 जोन नंबर 4 के 4 है, और जोन 5 के 3 असामियाँ हैं। इसके लिए आपको इंटरमीडिएट सिंपल FFAC और DIT की ज़रूरत है। आजकल DIT की मांग कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है। दोस्तों, जो आगे मेरे इलाके के जितने भी तकरीबन ये तो हम DIT करा रहे हैं, मेरा एक इंस्टीट्यूट है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, हम DIT करा रहे हैं। जो दोस्त एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आजकल एडमिशन ओपन है। तो ये तमाम KPKI के लिए हैं, ठीक है, BPS 16 के हैं। तो कंप्यूटर ऑपरेटर के पोस्ट इतनी अहम अच्छे होते हैं, इज्जत बाइज्जत होते हैं, और स्केल 16 का सैलरी भी आजकल काफ़ी होती हैं। इसमें कुछ शराइत ऐसे कि उम्र की रियायत जो है वो जो सबको पता है और बलाई हद दी जा सकती है, और दरख्वास्तें अपनी देनी हैं जो ऑलरेडी अनजॉब है तो थ्रू प्रॉपर चैनल देनी है, और इसका लास्ट डेट है 28 फरवरी 2022 इसका लास्ट डेट है। और आपने क्या करना है कि ये ATS के साइट देखें, ये www.ats.org.pk पर जाकर आपने सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसके साथ चाहे बैंक चलान होगा पैसे जमा करानी है। ज़रा आपको देखिए, मैं आपको दिखा लेता हूँ, ये देखिए ये ATS का होम पेज है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर आपने आने हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोजेक्ट, इसमें यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, ये देखिए ज़रा, ऑफिस ऑफ द रजिस्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नहीं, ये नहीं, इसके बाद लाइव स्टॉक का है, लकी मरवत स्वात डायरेक्टर सोशल वेलफेयर, इसमें आएगा आपको कोऑपरेटिव लाइव स्टॉक डायरेक्टर लाइफ स्टाइल डेरी है। देखिए ये, देखिए ये वाला किधर गया, ये इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन हो जाएगी। देखें इस पेज में टॉप पर लिखा हुआ है, ये आपने सबसे पहले एडवर्टाइज को डाउनलोड कर इसको अच्छी तरह से पढ़ लें। इसके बाद ये दूसरे नंबर एप्लीकेशन फॉर्म को क्लिक करोगे तो ये एक एप्लीकेशन फॉर्म और उसके साथ बैंक चालान डिपॉजिट स्लिप भी होगी, उसको भी आपने प्रिंट करना है। इसको प्रिंट करके अच्छे तरह से फिल करना है, और इसके साथ डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं लगाने हैं, ठीक है दोस्तों, कोई भी डॉक्यूमेंट। ये 4 पेज के हैं टोटल। तो इसको ये देखिए, ये फॉर्म आएगा, इसको आपने फिल करना है अच्छी तरह से, अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर ये अच्छी तरह से लिखना है, इसको इसमें गलती ना कर लेना। और ये देखिए इस एड्रेस पर आपने 28 तारीख से पहले पहले आपने सेंड करना है ये, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए यही आपको बताना है। आजकल लोग कहते हैं बेरोज़गारी है, ये मैं मानता हूँ कि बेरोज़गारी है, लेकिन जॉब्स भी कुछ आजकल कुछ ज़्यादा आ रहे हैं,
आप कोशिश करें, मेहनत करें, तो इंशाल्लाह ताला कहीं 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 ना कहीं पर आप एडजस्ट हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक द वीडियो।